तो महायुद्ध के मोर्चे पर 24 घंटे में ऐसा उलटफेर हुआ कि व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दोनों देखते रह गए। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें सैनिक जमीन के अंदर बने रास्ते में छिप जाते हैं और दुश्मन की स्पीड को रोक देते हैं। ऐसे युद्ध जो हैं बहुत लंबे वक्त तक चलते हैं, लेकिन इसमें सैनिकों की बहुत खतरनाक और बुरी मौत होती है। और ऐसी ही कुछ खौफनाक तस्वीरें अब यूक्रेन से भी आने लगी है। रूस ने यूक्रेन को फतह कर लिया है तो थोड़ा ठहर जाइए, ये वीडियो रूस ने जारी किया है। लेकिन ऐसा ही एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से भी जारी किया गया है। यूक्रेन ने भी वीडियो में दावा किया है कि उसने ज़ापोरिज़्या में गांव को जीत लिया है। पुतिन और ज़ेलेंस्की के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं। आखिर यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव कितना सफल हुआ, अब तक यूक्रेन के किस इलाके में यूक्रेन की सेना कितना आगे बढ़ी, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। पुतिन के उस दावे का सच भी बताने वाले हैं जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया है। दूसरी तरफ रमजान कादिरव को एक नया टास्क, नया प्रोजेक्ट सौंपा गया है। ये खबर भी बता देगी कि आखिर युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम रूस और यूक्रेन के इस वीडियो वॉर का पूरा विश्लेषण करेंगे। ज़ेलेंस्की युद्ध का वीडियो शूट करवा रहे हैं ताकि ये गांव भी जीत जाएं, तो प्रोपेगेंडा में कोई कमी नहीं रखी जा सके। ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका की बनी हुई एक बख्तरबंद गाड़ी पर यूक्रेन का सैनिक सवार है, जिसके पास छिपकर गोली चलाने के लिए बख्तरबंद गाड़ी के अंदर ही राइफल मौजूद है। ये डोनेस्क का एक गांव है जिसको फतह करने का दावा यूक्रेन की फौज ने किया है। यूक्रेन की फौज ने इन गांवों के मकानों के खंडरों पर यूक्रेन के झंडे लगा दिए हैं। ये एक ऐसा गांव है जो फ्रंट लाइन पर था और इस इमारत पर रूस के सैनिकों ने कब्जा करके अपना बेस बना रखा था। युद्ध ने कैसे इस आलीशान इमारत को बर्बाद कर दिया है, कुर्सियां टूटी हुई हैं, पेंटिंग्स खराब हो चुकी हैं, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों का जोश हाई है। क्या हाल किया है युद्ध ने इस लाइब्रेरी का। यहाँ की दीवारें गोलियों की मार से झड़ चुकी हैं, किताबें और अलमारियां ध्वस्त हो चुकी हैं, निजी तस्वीरें और किताबें धूल में समा चुकी हैं। सैनिकों के शव पड़े हैं, एक एक दीवार पर तबाही के निशान हैं, दीवारें धमाकों से फट चुकी हैं और इस वक्त भी यूक्रेन के सैनिक बेहद सावधानी से ये तलाश रहे हैं कि कहीं यहाँ अब भी कोई खतरा तो नहीं है, यहाँ भी दुश्मन की कोई आहट तो नहीं है। यूक्रेन की युद्ध भूमि शौर्य और संघर्ष की एक ऐसी कहानी लिख रही है जो कई सदियों तक इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से याद की जाएंगी। ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसमें रूस के सैनिकों की लाशें भी साफ नजर आ रही हैं। ये वीडियो ज़ेलेंस्की ने पुतिन और पुतिन के सैनिकों को डराने के लिए जारी किया है, लेकिन दूसरी तरफ रूस ने भी एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो डोनेस्क का है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर रूस ने डोनेस्क का ही वीडियो क्यों जारी किया।
दरअसल डोनेस्क के कुछ गांवों को जीतने की घोषणा यूक्रेन के द्वारा की गई थी। यही वजह है कि पुतिन ने जानबूझकर डोनेस्क के गांव पर रूस के कब्जे का वीडियो जारी करवाया है। दरअसल रूस ने दावा किया है कि उसने डोनेस्क के नोवोडेनित्स के गांव पर कब्जा करने के अभियान को पूरी तरह से फेल कर दिया है। रूस का कहना है कि ये वो गांव है जिसको काउंटर ऑफेंसिव में वापस हासिल करने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से की जा रही थी। रूस के पैसिफिक फ्लीट के सैनिकों ने रात भर हुए हमले का न सिर्फ सामना किया बल्कि यूक्रेन के सैनिकों को पीछे धकेल कर यूक्रेन के बख्तरबंद वाहनों को भी नष्ट कर दिया। На Новодонецком направлении до роты противника было предпринял контрнаступление. Отряд штурмовой был немедленно был введен в бой. Контрнаступление противника было отражено. Бронетехника противника была уничтожена. Противник был отражен на Новодонецкой под полным контролем нашей бригады. Бронетехника противника была натовского образца, такие как «Хаммер», «Мастиф», IMX 10 также был и Хаски. ऐसी ही खाइयों में यूक्रेन के सैनिकों को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। इस वीडियो के जवाब में यूक्रेन की तरफ से ट्विटर पर एक और वीडियो वायरल करवाया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो भी रूस की बनाई गई एक खाई का है जिसमें रूस के सैनिक मौजूद हैं। वीडियो में दावा यह किया गया है कि यूक्रेन का एक सैनिक खाई में उतरता है और एक एक करके रूस के कई सैनिकों को ढेर कर देता है। इस वीडियो ने भी पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। युद्ध में जान चली जाने की दहशत क्या होती है वो इन तस्वीरों में बिल्कुल साफ नजर आती है। ट्विटर पर यूक्रेन के ट्विटर हैंडल्स से एक और वीडियो वायरल करवाया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो ज़ापोरिज़िया के गांव पर मिली यूक्रेन की जीत का है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि गांव के सामने टूटी हुई इमारतों के सामने खड़े होकर यूक्रेन के कई सैनिक यूक्रेन का झंडा फहरा रहे हैं। लेकिन इसके खिलाफ भी रूस की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया है जिसमें ज़ापोरिज़िया की तस्वीरें हैं। यानी यूक्रेन और रूस एक ही दावा कर रहे हैं और वो ये कि ज़ापोरिज़िया में जंग हुई है। लेकिन रूस ने जो तस्वीरें दिखाई हैं उसमें रूस के सैनिकों को फायरिंग रेंज में दिखाया गया है। फ्रंट पर लड़ते हुए रूस के सैनिकों की तस्वीरें नजर आ रही हैं और रूस की सेना की तरफ से ये दावा किया गया है कि यूक्रेन ने ज़ापोरिज़िया पर ही सबसे बड़ा हमला किया है लेकिन उसका ये हमला पूरी तरह से फेल हो गया है। Новодонецком направлении до роты противника было предпринял контрнаступление. Отряд штурмовой был немедленно был введен в бой. Контрнаступление противника было отражено. Бронетехника противника была уничтожена. Противник был отражен на Новодонецкой под полным контролем нашей бригады. Бронетехника противника была натовского образца, такие как «Хаммер», «Мастиф», IMX 10 также был и Хаски. Counter offensive की हकीकत क्या है ये हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल यूक्रेन की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसकी अपनी एयरफोर्स पहले ही लगभग खत्म हो चुकी है। कुछ लड़ाकू विमान यूक्रेन के पास है जिनसे मिसाइलें दागने में यूक्रेन को मदद मिल रही है लेकिन कोई भी सेना जब ग्राउंड पर मूव करती है तो उसको एयर सपोर्ट यानी लड़ाकू विमानों की भी आवश्यकता होती है क्योंकि अगर लड़ाकू विमानों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो दुश्मन के लड़ाकू विमान ग्राउंड आर्मी को नेस्त नाबूद कर देते हैं। ऐसे ही यूक्रेन के युद्ध में ज़ेलेंस्की की आर्मी के साथ हो रहा है। ज़ेलेंस्की की आर्मी काउंटर ऑफेंसिव में फेल इसलिए साबित हो रही है क्योंकि रूस के लड़ाकू विमानों ने ज़ेलेंस्की की फौज के मूवमेंट को बहुत धीमा कर दिया है। दूसरी तरफ चेचन्या के लीडर रमजान कादिरफ के बारे में बहुत बड़ा समाचार आया है। रमजान कादिरफ ने अपनी अखमत रेजिमेंट की अखमत फोर्स को एक स्पेशल प्रोजेक्ट में लगा दिया है। रूस के अंदर यूक्रेन के बॉर्डर के पास ही एक इलाका है बेलगोरेड जहां पर कई बार यूक्रेन हमले करता रहा है। अब इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुतिन ने कादिरफ को सौंप दी है और कादिरफ ने अपने स्पेशल इलीट कमांडो को यहां भेज दिया है।
ये फैसला पुतिन ने इसलिए किया है ताकि ज़ेलेंस्की को इतना तगड़ा जवाब मिले कि वो कभी दोबारा रूस के अंदर हमला करने की सोच भी ना सकें।